हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हो एग्जाम सब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़। और यहां से दोस्तों वैकेंसीज़ आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, साथ ही यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। सैलरी पैकेज बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल पर शो किया है कि 75,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर मिलेगी, और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए मैक्सिमम 50,000 रुपये सैलरी यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो डेट्स आप देख लीजिए, 1 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है आपकी वो है 18 जून 2024 शाम 4 बजे तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपके सामने अभी 10 सब्जेक्ट हैं, इनमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, इंग्लिश में 2 वैकेंसीज़ हैं। सोशोलॉजी में 1 वैकेंसी है, एजुकेशन में 3 वैकेंसीज़, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में 1, फिजिकल एजुकेशन 2 वैकेंसीज़, माइक्रोबायोलॉजी 1 वैकेंसी, मैथमेटिक्स में 1, फूड एंड न्यूट्रिशन 1 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस में 2 वैकेंसीज़ एंड योगा में 1 वैकेंसी अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज पर UGC रेगुलेशंस ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज कॉलेज एंड मेजर, तो आपका जो 2018 का UGC रेगुलेशन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन 2018, तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, साथ ही आपके पास यहाँ पर PhD डिग्री हो कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास नेट या फिर सेट आपने क्लियर किया हुआ हो, तो आप लोग यहां पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद यहां पर नीचे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 50,000 रुपये सैलरी आपके यहां पर रहेगी, और 1,500 रुपये पर लेक्चर आपको यहां पर पे किया जाएगा एज अ गेस्ट फैकल्टी। तो मैक्सिमम 50,000 रुपये पर मंथ आपको यहां पर मिलेगा ही मिलेगा। ओके, मैक्सिमम यहां पे लिखा हुआ है, बाकी 1,500 रुपीज़ पर लेक्चर, ये तो आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके लेक्चर्स के ऊपर कि आपने कितने लेक्चर्स लिए हैं मंथ में। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 3 वैकेंसीज़ हैं, म्यूजियम क्यूरेटर की 1 वैकेंसी, म्यूजियम कोऑर्डिनेटर की 1 वैकेंसी, रिसर्च ऑफिसर की 1 वैकेंसी, यूनिवर्सिटी इंजीनियर की 1 वैकेंसी अवेलेबल है, असिस्टेंट इंजीनियर की 4 वैकेंसीज, प्राइवेट सेक्रेटरी 2 वैकेंसीज, पर्सनल असिस्टेंट 2 वैकेंसीज, असिस्टेंट आर्किविस्ट यहाँ पर 1 वैकेंसी है, और उसके बाद है आपका कंजर्वेशनिस्ट की 1 वैकेंसी, इसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट 1 वैकेंसी, इसके बाद है आपका क्राफ्ट असिस्टेंट 3 वैकेंसीज, प्रूफ रीडर 1 वैकेंसी, वार्डन मेल फीमेल टोटल 8 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे रिसेप्शनिस्ट की 2 वैकेंसीज हैं एंड लोअर डिविजनल क्लर्क की 19 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, बैचलर डिग्री से लेकर के PG PhD हर तरह के लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे लोअर डिविजनल क्लर्क की आप देख रहे हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, अब बैचलर डिग्री फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए, साथ ही इंग्लिश टाइपिंग आपका होना चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, और गुजराती टाइपिंग एट द रेट 30 वर्ड्स पर मिनट आपके पास होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास रहना चाहिए। आगे और देख लीजिए, ड्राइवर की वैकेंसीज हैं 2, इसके बाद है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की भी वैकेंसीज हैं, 33 वैकेंसी हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज यहां से इस बार इस यूनिवर्सिटी से निकाली गई हैं। ग्राउंड मैन की यहाँ पर 4 वैकेंसीज हैं एंड सिक्योरिटी गार्ड की 11 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो 10th से लेकर के PG PhD हर लेवल की वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 18 तारीख लास्ट डेट है। देन टेंटेटिव डेट्स ऑफ फर्दर प्रोसेस ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो डेट्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड पता चल जाएंगी। टीचिंग की 20 से 22 तारीख तक इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो आपको पता चल जाएंगी। आई थिंक 20 से 22 तारीख तक आपके इंटरव्यू चलेंगे, बाकी जो डिटेल होगी वो आपको मेल के थ्रू या फिर वेबसाइट पर आपको पता चलेगी। और नॉन टीचिंग की डेट्स आप देख सकते हैं, 26 से 30 तारीख तक की डेट है इंटरव्यू की। देन टेंटेटिव, ये डेट्स सारी टेंटेटिव है, अभी फिक्स नहीं है क्योंकि टेंटेटिव डेट्स लिखा हुआ है, ये चेंज भी हो सकती हैं। ठीक है, टेंटेटिव डेट फॉर ज्वाइनिंग ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो ज्वाइनिंग की भी डेट इन्होंने दे दी है कि 1 जुलाई से ये ज्वाइनिंग भी करा देंगे, तो हो सकता है इसमें भी कुछ चेंज हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकती है डेट। इसके बाद आप देखेंगे पे स्केल ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट, तो नॉन टीचिंग पोस्ट का पे स्केल यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पोस्ट नंबर आपकी 1 है। ठीक है, पहली पोस्ट जो थी सबसे ऊपर मैंने आपको बताई, उसके लिए 75,000 रुपीज़, 2 से 6 तक की जो पोस्ट है उनके लिए 50,000 रुपये मिलेगा आपको, फिर 7 to 8 पोस्ट के लिए 35,000। जैसे कि सीरियल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर जैसे पड़ा हुआ ना 13, 14, इस तरह से आपको देखते हुए चलना है, उसी के बेस पर आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी यहाँ पे कितनी है। उन 9 से 12 तक सीरियल नंबर जो है उसके लिए 30,000, 13 से 14 तक 25,000, 15 से 16 22,000, 17 से 18 20,000, और इसके बाद 19 से 20 17,000, और 21 नंबर पोस्ट के लिए 12,000। 21 नंबर पोस्ट मतलब आपका सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको यहाँ पर जो है 12,000 रुपये पे किया जाएगा।
इसके बाद आप देखेंगे रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, यहाँ पर रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो इस स्टेट के लोग हैं उन सभी को जो भी रिजर्वेशन है वो सब यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन, ये भी आप चेक कर लीजिए। और बाकी क्वालिफिकेशन, आप जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं उसकी क्वालिफिकेशन एक बार आप जरूर से चेकआउट कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है तो एक एक करके हम नहीं पढ़ के आपको सुना पाएंगे, क्योंकि काफ़ी वीडियो जो है फिर लेंदी हो जाता है। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह पर हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, लिंक प्रोवाइड करा देंगे जिससे कि आप जो है उसको प्रोवाइड देख सकते हैं जाकर के डायरेक्टली। इसके बाद यहाँ पर फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, फिर इसमें नीचे और आएंगे तो लास्ट पेज पर आपको अनेक्सर वन में यहाँ पर गाइडलाइन बताई गई है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कितने साइज के डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। वेबसाइट दी गई है, उस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। एस्ट्रिक साइन जहाँ पे लगा होगा वो फील्ड आपको फिल करना मैंडेटरी है। तो इसी तरह से आपको कंप्लीट करते जाना है, पार्ट वन रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिर पार्ट टू में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गुजरात विद्यापीठ का, एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है ये, और टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये सारी वैकेंसीज है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस दोस्तों हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं अपने चैनल पर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।